उस बिल्लाह में शुदानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त एक नया अस्पताल जो कि आज इनका क्याम मुमकिन हुआ है, आज ख़त्म कुरान से इनका अफ्ताह हुआ है सियात कौर के नाम से। ये हमारे दोस्त हमारे मोहसिन डॉक्टर असद शाह साहब और इनके दोस्त डॉक्टर शुएब के ताउन से इस प्रोजेक्ट का अफ्ताह किया जा रहा है। मज़ीद मालूम के लिए हम हमारे दोस्त हमारे मोहसिन और चेयरमैन अमन जरगा सैयद कमाल शाह बादशाह की तरफ चलते हैं। सैयद कमाल शाह बादशाह से जान लेते हैं कि सियात कौर प्रोजेक्ट का आगाज़ आज से हो रहा है और ये इसका मकसद क्या है। तो बादशाह साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे समीन के साथ आप शेयर कीजिएगा इस प्रोजेक्ट का मकसद और इसके पीछे जो शख्सियात कारफरमा है वो उसके हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपका हिदायत रहमान होती साहब बड़ा मशकूर हूँ और अल्फाज नहीं है कि मैं, क्योंकि आप हमेशा की तरह एक बार फिर एक काविश कर रहे हैं हमारा जो ये प्रोजेक्ट है या जो हमारे व्यूज़ है आप ले रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है जो यूएस में शिकागो में वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर है उनका एक दोस्त डॉक्टर शुएब, तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी बल्कि वो एक विज़न था उनका कि यहाँ अपने मर्दान के लिए यहाँ लोकल जो डेस्टिट्यूट्स हैं जो गरीब हैं जो इवन यहाँ तक हालात तो ख़राब हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से कि लोग रोटी से भी महरूम हो गए हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ मर्दान में हम उन गुरबा के लिए जो इलाज वाले जैसे महरूम हैं एक सेंटर खोले और इब्तदा हम यहाँ पे मर्दान से करें और एक हम अपना प्रोफाइल लो रखें। और जिस तरह आपको पता है आपने देखा हुआ है कि ये स्टार्ट जो होता है वो हमेशा वो स्लो होता है एक कम इब्तदाइया होता है, लेकिन अल्लाह ताला जिस चीज़ में बरकत डालता है और अल्लाह ताला का करम और रहम शामिल हाल हो तो वो तो ये आज जो सियात कौर के नाम से यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है तो हमारे साथ यहाँ पे एक वॉलेंटियर्स का एक टीम है, डॉक्टर्स हैं इसमें, ये पैथोलॉजी साइड पर भी स्पेशलिस्ट हैं, एक लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट भी है। तो ये हम आज यहाँ पे ख़त्मुल कुरान से इसका ओपनिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मर्दान के लिए हम सेहत के फील्ड में सेहत के मैदान में ऐसी खदमात अंसर अंजाम दें जो कि वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है। और जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो तंजीम है अमन जरगा हम सोशल साइट पर बहुत काम कर रहे हैं तो ये भी आज इनका एक हिस्सा है। बादशाह साहब, चूँकि आज की सारा मगर पुरकार तकरीब जो कि ख़त्म कुरान से इनका अफ्ताह हुआ है, आप समझते हैं कि मर्दान की आबादी अब 27.5 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर गई है और इस तरह के जो सोशल प्रोजेक्ट हैं इनका क्याम इंतहाई ज़रूरी है, तो सियात कौर भी अपना काम कर रही है, लेकिन आप सियात कौर के साथ साथ दीगर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो शख्सियात हैं उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी डॉक्टर असद शाह और डॉक्टर शुएब की तरह उसको फॉलो करें और इस तरह के प्रोजेक्ट लाए ताकि चूँकि सरकार तो उस पर उसके साथ इतनी फाइनेंशियल भी नहीं है, तो आप समझते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात की कि यहाँ पे यानी पाकिस्तान में आप देखें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़े बड़े नाम हैं कि वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो इसमें एक तो ये है कि आवाम के इलम में इजाफा हो जाएगा और यहाँ मेंशन करना ज़रूरी भी है। जिस तरह ये शौकत खानम है तो शौकत खानम अस्पताल उसका इब्तदा या स्टार्ट या शुरू जो हुआ था तो वो भी इसी तरह हमारी तरह एक मतलब एक छोटा सा एक मतलब पहले एक आइडिया था, एक सोच था, एक फ़िक्र थी। आज आप देखें पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पाकिस्तान में शौकत खानम अस्पताल के नाम से यहाँ पे एक वेलफेयर का बहुत बड़ा सेहत के हवाले से इदारा है। यहाँ पे आप देखें जी बहुत बड़े बड़े नाम है, लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में, लोगों के पास इतना पैसा है कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालिक मैं अगर ये जिक्र करूँ, ये जो आज स्टार्ट हुए शुरू तो ये सेल्फ हेल्प बेसिस पे दो बंदों के ताउन से, दो बंदों ने अपने रिसोर्सेस से इसको शुरू किया है, लेकिन ये जो मुल्क है पाकिस्तान है ये हम सब का है, सारी दुनिया में पाकिस्तानी अल्लाह का करम है रहम है कि पैसे के हिसाब से आप देखें पाकिस्तानी बेइंतहा पैसा है, बेतहाशा पैसा है लोगों के पास और दिल भी उनका चाहता है, लेकिन यहाँ पे मसला क्रेडिबिलिटी का है, ट्रांसपेरेंसी का है, यहाँ पे एतमाद का है। इंशाल्लाह ये हम साबित करेंगे, लोग सारी दुनिया देखेगी
कि ये एक इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट काम होगा, इसमें किसी किस्म की सफारिश, किसी किस्म की करप्शन या ऐसी बात नहीं होगी। और इंशाल्लाह जो हमारी नियत है, जो हमारा इदारा इरादा है, जो हमारा ख़ानदान है, सबको पता है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने इलाके के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो नियतों का अल्लाह को पता है, हमारा नियत साफ़ है इंशाल्लाह। और पाकिस्तानियों से, खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वहाँ पे सारी दुनिया में है, US में नहीं है, मैं अपील करता हूँ कि वो इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें। यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वेलफेयर के साइड पे अगर आप देखें तो काम करने वाले लोग हैं, लोगों का दिल चाहता है, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी पहले आए यहाँ पे, देखे, चेक करें कि ये जो हमारा काम है, ये जो हो रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन हमारा रब्ता रहेगा, सबके साथ रहेगा इंशाल्लाह। हम अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ट्रांसपेरेंसी और अपनी ईमानदारी इंशाल्लाह अल्लाह ताला को पता है, ये सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा कि ये जो हमने लो प्रोफाइल का जो स्टार्ट लिया है इंशाल्लाह, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेहत के हवाले से एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। अब बड़े मेहरबानी ये थे अमन जर्ग के चेयरमैन सिद कमर शाह बादशाह। यकीनी तौर पर सेहत को एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक तहरीक और एक मिशन का नाम है, जिसका अफ्तिताह और जिसकी सोच डॉक्टर असद शाह साहब ने शिकागो में देखा है, और इनके जो साथी है, इनकी टीम का जो हिस्सा है, मैं खुद शिकागो गया हूँ और इनकी टीम की जो वहाँ की जो काविश है, जो कोशिश है, तो वो मैं देख चुका हूँ। तो जिस तरह बादशाह साहब ने कहा कि हमारे वसीस पाकिस्तानी, मैं खुद अपील करूँगा कि वो असद शाह के दस्तो बाजू बने और इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ उनका साथ दे बल्कि वो खुद पाकिस्तानी अवाम के लिए या सूजन मर्दान के अवाम के लिए जो करना चाहते हैं वो असद शाह के साथ दे, और ताकि गरीब अवाम, चूँकि यहाँ पे गुरबत बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों की न सिर्फ तालीम के हवाले से बल्कि सेहत के हवाले से भी अब जो कोशिश है वो रायगा है, उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। तो आप इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अपना हिस्सा डालकर न सिर्फ गरीब आवाम की खिदमत कर सकते हैं बल्कि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद स्ट्रेंथन और तवाना कर सकते हैं।